नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तिवारी ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सपने में लौकी देखने का क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि लौकी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सपने में लौकी को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में लौकी को देखने का मतलब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदस्यता ले लें, तथा घंटी को दबाना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सपनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपनों को चार भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि सपनों को चार भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। पहला, 12 से 3 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक साल में प्राप्त होता है। दूसरा, 3 से 5 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 6 महीने में प्राप्त होता है। तीसरा, 5 से 6 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल 1 महीने में प्राप्त होता है। चौथा, सूर्य उदय के बाद देखे जाने वाले सपनों का फल 1 सप्ताह में प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सपने में लौकी देखने का क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में लौकी देखना यह एक बहुत ही शुभ सपना है। यह सपना इस बात का संकेत करता है कि आपको धन लाभ हो सकता है। यह धन लाभ आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपका जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, और अगर आपका कहीं रुका हुआ धन है जो अभी तक नहीं मिल रहा था वो भी अचानक मिल सकता है। और अगर यही सपना कोई स्त्री देखती है तो उसके लिए भी बहुत ही शुभ सपना। अगर स्त्री जॉब करने वाली है तो उसे प्रमोशन होगा जॉब में, और अगर स्त्री कोई बिजनेस यानी कि कोई व्यापार करती तो उसको वहाँ से अत्यधिक लाभ हो सकता है। और अगर स्त्री गृहिणी है, जॉब करने वाली नहीं है, तो उसे अपने पति व अपने बेटे द्वारा व्यापार में या फिर उसका रुका हुआ धन मिल सकता है। तो अगर आपको ऐसे शुभ फल देने वाले सपने बार बार दिखाई देते हैं तो आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बता देंगे तो आपने जो सपना देखा है उस सपने का आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। और सुबह उठकर स्नान करके आप अपने इष्ट देव यानी कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो सपना देखा है उस सपने का हमें पूरा फल प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसा करने से आपने जो सपना देखा है उस सपने का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।